हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटेसी डिसीजन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भाई जो झारखंड वुमन T20 ट्रॉफी है जो कि मैच होने वाला है यहाँ से बोकारो ब्लॉसम वुमन्स वर्सेस रांची रोजिस वुमन के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में लेके जा सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा उसके बारे में बात करने के पिच रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार, और लास्ट में हमारी फैंटेसी टीम देख लेते एक बार कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से अवॉइड करके जा सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते है। तो बात करें इसमें किससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट कवर की जाएंगी। उसके साथ साथ बहुत ही अच्छी अच्छी ऐसी टूर्नामेंट चल रही है, सारे मैचेस की वीडियो मिल जाएंगे। जैसे कि अभी शारजा T20 चल रहा है, यहाँ से स्पाइस T10 चल रहा है, सारे मैचेस की वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जैसे IPL की पूरी अपडेट के लिए आप लोग यहाँ से टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैंने लिंक अटैच कर दिया, इनके अगर लिंक वर्क ना करें टेलीग्राम में जाकर सर्च करिएगा फैंटेसी डिसीजन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपली उसे ज्वाइन कर लेना क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम आपको वहीं पर मिलने वाली है। तो बात करें इस मैच की, तो ये मैच सुबह में 9 बजे शुरू होगा, यहाँ से JSC इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रांची में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं, ऐसे बैटिंग के लिए काफी अच्छी पिच है, अच्छे स्कोर बन सकते हैं, लेकिन वुमन मैचेस है तो ज्यादा स्कोर एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग। एक्सेप्टेबल स्कोर यहाँ से 90 से 110 रन है, और 110 रन के आसपास स्कोर बन सकता है। चेजिंग रिकॉर्ड की बात करो, जो भी टीम टॉस जीतेगी यहाँ से चेज करना पसंद कर सकती है, लेकिन हालांकि पिछली 3-4 मैचेस की बात करूं तो यहां से पहले बैटिंग करने वाली टीम ही जीत रही है, तो शायद अभी पिच थोड़ी सी मूवमेंट भी ले सकती है, तो यहां से कुछ चेंजेस भी हो सकता है। जैसे कि आज हमने देखा था कि टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था, तो अभी कुछ चेंजेस भी आ सकता है। बाकी वैसे तो शुरुआत के मैचेस में हमने देखा था कि चेजिंग करने वाली टीम को बहुत सारा एडवांटेज रह रहा था, तो यहाँ से शायद अभी की पिछली कुछ मैचेस की बात करते हैं, ऐसे पहले बैटिंग वाले करने वाली टीम को थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज है। बात करें ऐसे बोकारो ब्लॉसम वुमन्स की, तो पिछली दोनों ही मैच जबरदस्त जीत के आ रही हैं यहाँ से धनबाद डैफोडिल्स के सामने, सॉरी डुमका डायसिस या धनबाद कन्फ्यूजन हो जाते हैं दोनों की टीम के बीच में, लेकिन पिछली दोनों ही मैच जबरदस्त जीत के आ रही हैं ऐसे बोकारो ब्लॉसम वुमन्स, तो काफ़ी यहाँ से उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है काफ़ी हाई है। अभी देखो लास्ट मैच की बात करो तो टीम ने काफ़ी सारा चेंजेस किया, ऐसे दो ओपनर्स वहाँ से उन्होंने चेंज किए, ममता कनौजिया और यहाँ से कोमल कुमारी दोनों ने ओपनिंग किया, काफ़ी जबरदस्त शुरुआत दी, दोनों ने अच्छा स्कोर किया, ऐसे 32 रन किए ममता कनौजिया ने और कोमल कुमारी ने यहाँ से 26 रन किए थे, तो दोनों ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही। और पिछली कुछ मैचेस की बात करो 18, 33, 32 यहाँ से 21, अभी जो ममता कनौजिया है वो यहाँ से इंटरनेशनल मैच भी खेल चुकी है, इंडिया की तरफ से भी खेल चुकी है। बाकी कोमल कुमारी भी कभी कभी अच्छा स्कोर कर लेती है, ऐसे 28 एक बार किया था, एक बार 26 रन किया, तो ये थोड़ी सी डिफरेंशियल पिक आपके लिए बन सकती है। बाकी कनौजिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक बनेगी, दुर्गा मुर्मू वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, बॉलिंग से बैटिंग से दोनों इसे एडवांटेज दे सकती है, हालांकि पिछले कुछ मैचेस में इतना परफॉर्मेंस नहीं रहा था, लेकिन लास्ट मैच की बात करो तो एक बार फिर से फॉर्म दिखाया उन्होंने, 51 रन किए, साथ में 3.5 ओवर की गेंदबाजी भी की जहां पर एक विकेट भी निकाला, तो एक बार फिर से अपना दमखम दिखा दिया और दिखा दिया कि वो किस लिए जानी जाती है, तो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी। वन कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए सबसे बेस्ट चॉइस रहने वाली है यहां से दुर्गा कुमारी मुर्मू, रितु कुमारी, तो ये क्या है ना अपने दिन के हिसाब से चलती है। अब देख सकते हो परफॉर्मेंस जब देती है तब तगड़ा परफॉर्मेंस देती है, यहाँ से 49 रन किए थे, साथ में 2 विकेट भी निकाल दिए थे, हालांकि बैटिंग से काफ़ी अच्छे एवरेज है इनकी, लेकिन बैटिंग से पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही बड़ा स्कोर आया है, बाकी बैटिंग से इतना कुछ खास नहीं किया, लेकिन बॉलिंग से कभी कभी विकेट निकाल सकती है भाई, 1, 2, 3 और 4 मैच में विकेट निकाला है, बाकी की आप मैचेस में देख सकते हो 6 मैच के अंदर उनको विकेट नहीं मिला है, तो ये तो थोड़ी सी रिस्की टाइप के प्लेयर है, कंसिस्टेंसी नहीं है इनकी परफॉर्मेंस के अंदर, बाकी टीम की कैप्टनशिप करवा रही है, एक जिम्मेदारी इनके ऊपर जरूर रहेगी कल, क्योंकि कल की जो मैच होने वाली है वो होने वाली है सेमीफाइनल, सेकंड सेमीफाइनल, यानी कि जो भी टीम जीतेगी यहाँ से सीधा फाइनल में जाने वाली है, तो यहाँ से महत्वपूर्ण काफ़ी मैच है, तो यहाँ से रितु कुमारी को खेलना चाहिए, तो आई थिंक शायद थोड़ी सी संभल के खेल सकती है कल और एक अच्छा खेल दिखा सकती है। तो वैसे एज ए प्लेयर तो हम लोग लेके जाने वाले हैं रीनी बर्मन को, पिछली तीनों ही मैच से मैंने बताया हुआ है कि बंदी कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लायक है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, पहले मैंने शुरुआत के मैचेस में बताया था कि ये जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज होते काफी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि रविंद्र जाडेजा जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है उन्होंने इस पिच पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है, तो कल की मैच के लिए आप थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड कर सकते हो, ऐसे रिस्क अफोर्ड नहीं अभी तो ज्यादा जनता बना के भी आ सकती है, ऐसे रीनी बर्मन को कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए अच्छी पिक होने वाली है। गरिमा सिंह
ओके ओके पिक रहेंगे, ग्रांड लीग वगैरह में ट्राई करेंगे, संजू पटेल को ग्रांड लीग वगैरह में ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हो दो मैच के अंदर उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, यानी कि क्षमता है उनके पास बड़ा परफॉर्मेंस करने की, लेकिन चांस काफ़ी कम मिलते हैं। रियाराज विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे तो इनको लेने का कोई मतलब नहीं बता, काफ़ी नीचे बैटिंग करती हैं। देख लेते अगर कोई अच्छी चॉइस सामने की टीम में नहीं है तो हम लोग रियाराज के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि यार ये बैटिंग से तो कुछ खास नहीं करती, लेकिन फील्डिंग से काफ़ी अच्छे पॉइंट्स देती है, ऐसे कैचिंग से, स्टंपिंग से, और हमने देखा है कि इस टूर्नामेंट में रनआउट्स बहुत होते हैं, यहाँ से रनआउट्स बहुत होते हैं, तो यहाँ से ज़्यादातर चांसेस विकेट कीपर के पास भी रहने वाले हैं, और यहाँ से स्टंपिंग भी अगर एक दो हो जाती है तो यहाँ से अच्छे पॉइंट्स वहाँ से भी जनरेट कर सकती है। अनुष्का परमार जब भी विकेट निकालती है तब दो विकेट ही निकालती है, इनको एक विकेट निकालना पसंद नहीं है। आप देख सकते हो तीन मैच के अंदर विकेट निकाली, तीनों ही मैच के अंदर दो दो विकेट निकाली है, तो एज अ प्लेयर वैसे तो अच्छी पिक है, इनको जरूर लेके जा सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी इनके परफॉर्मेंस में भी नहीं है। पहले तीन मैच के अंदर विकेट नहीं मिला, फिर दो विकेट निकाला, फिर एक मैच में विकेट नहीं मिला, फिर दो विकेट निकाला, फिर विकेट नहीं मिला, फिर दो विकेट निकाला, यानी कि अगले मैच के अंदर शायद इनको विकेट नहीं मिलेगा लॉजिकली सोचने के लिए जाए तो। बाकी वैसे प्लेयर्स काफ़ी अच्छी है। सिमरन मंसूरी वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इनको तो हमें लेके ही जाना है। बाकी बात करते हैं ऐसे प्रीति तिवारी की, तो पिछली तीन मैच से विकेट नहीं मिल रहे हैं, इससे पहले सिर्फ दो मैच के अंदर विकेट नहीं मिला था, और यहाँ से दो बार दो दो विकेट निकाल चुकी है, तो इन दोनों के बीच में तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन रहने वाली है, ऐसे अनुष्का परमार और यहाँ से प्रीति तिवारी के दोनों में से किसको लेके जाना है। स्टार्टिंग हाउस की बात करें तो प्रीति तिवारी और यहाँ से दुर्गा मुर्मू स्टार्टिंग में आएगी, और डेथ हाउस में यहाँ से सिमरन मंसूरी, यहाँ से रिनी बर्मन और यहाँ से डी मुर्मू हमारे लिए डेथ हाउस में गेंदबाजी कर सकती है। बेंच की बात करें तो बेंच से अगर कोई भी खेलेगा तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योर अपडेट बनते रहेगा। रांची रोजिस ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रही है अभी तक, प्रियंका सवैया वहाँ से ओपनिंग कर रही है अनामिका कुमारी के साथ। अनामिका कुमारी वन ऑफ बेस्ट प्लेयर है यार, 44, 54, 55 या से 29 बड़े स्कोर करने की इनके पास अच्छी खासी क्षमता है, तो ये अभी इस मैच की बात करो तो यहाँ से बैटिंग सेक्शन में भी बहुत सारा कंफ्यूजन रहने वाले। बाकी सवैया वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, कैप्टनशिप और वाइस कैप्टनशिप के लिए भी एक अच्छी चॉइस है, सवैया इनको लेके जाएंगे। बाकी अनामिका कुमारी की बात करूँ तो एज अ प्लेयर इनको भी ट्राई कर सकते हो। निहारिका और यहाँ से आनंदिता किशोर, इनका जो टॉप ऑर्डर है ना, टॉप ऑर्डर काफ़ी मजबूत है, तो यहाँ से टॉप ऑर्डर पे हमको पूरा फोकस करना है, ये जो पांचों प्लेयर को लेके जा सकते हैं यहाँ से, पहले प्रियंका सवैया, यहाँ से अनामिका कुमारी, निहारिका, आनंदिता किशोर। आनंदिता किशोर थोड़ी सी यहाँ से क्वेश्चनेबल रहेगी, लेकिन यहाँ से देवयानी प्रसाद वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, तो इसके बारे में आनंदिता किशोर के बारे में हम लोग लास्ट में बात करते हैं जब टीम बनाते हैं तब, कि कौन सा और कैसे यहाँ से इनको लेके जाना है या फिर उनको अवॉइड करके जाना है। बाकी ईशा केसरी को लेने का कोई मतलब नहीं बता, बैटिंग से काफ़ी नीचे आ रही है और परफॉर्मेंस भी इतना कुछ खास नहीं रहा। पहले मैच के अंदर 35 रन जरूर किए थे, लेकिन इसके बाद एक भी मैच के अंदर कोई भी परफॉर्मेंस किया नहीं, और वैसे भी बैटिंग से भी काफ़ी नीचे आती है। बात करते हैं ऐसे सुनीता कुमारी, सुनीता कुमारी ने भी इतना कुछ खास किया नहीं है, वैसे उनके बैटिंग ऑर्डर काफ़ी बैटिंग एवरेज काफ़ी अच्छी है, हो सकता है कभी टीम प्रमोट कर ले ऊपर, लेकिन अभी सेमीफाइनल जैसी बड़ी मैच के अंदर शायद ही टीम कुछ चेंजेस कर सकती है। लास्ट मैच में एक चांस जरूर किया था टीम ने, यहाँ से मेघा कुमारी को मौका दिया था खेलने के लिए, आई थिंक यहाँ से पल्लवी कुमार की जगह पर, सॉरी उर्मिला कुमारी की जगह पर, लेकिन उन्होंने कुछ खास नहीं किया यहाँ से, तो एक बार फिर से मेघा कुमारी की जगह पर यहाँ से उर्मिला कुमारी आ सकती है। लक्ष्मी मुर्मू तो यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन में बहुत सारी कन्फ्यूजन रहने वाली है, क्योंकि दोनों ही जो विकेट कीपर है, दोनों ही टीम के विकेट कीपर काफ़ी नीचे खेलते हैं, यहाँ से 8वें 9वें नंबर पर खेलते हैं, तो फिर किसको लेके जाना है इनके बारे में हम लास्ट में बात करते हैं। आरती कुमारी वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगी, जब भी विकेट निकाल दिया तब बहुत ही अच्छी, यहाँ से दो तीन विकेट भी निकाल सकती है, तो एज अ प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। अनिता टिक्का थोड़ी सी क्वेश्चनेबल रहेगी, क्योंकि इनके परफॉर्मेंस में भी कंसिस्टेंसी नहीं है, प्लस ये जो ओवर्स पूरी नहीं करती, ओवर्स करती है तो एक या दो ओवर्स ही करती है, पहली मैच के अंदर 4 ओवर्स की, इसके बाद एक भी मैच के अंदर उन्होंने पूरी ओवर्स नहीं की। स्टार्टिंग ओवर्स में यहाँ से आनंदिता किशोर और यहाँ से डी प्रसाद, और डेथ ओवर्स की बात करें तो डी प्रसाद, यहाँ से एक कुमारी, यहाँ से निहारिका और यहाँ से पी सवैया डेथ हाउस में गेंदबाजी करती हुई नजर आएगी। बेंच की बात करूँ तो यहाँ से पल्लवी कुमारी और यहाँ से उर्मिला कुमारी, दोनों में से कोई भी एक कल खेलता हुआ नजर आ सकता है आपको, किसकी जगह पर, यहाँ से मेघा कुमारी की जगह पर या तो पल्लवी कुमारी खेलेगी या फिर उर्मिला कुमारी, दोनों में से कोई भी एक खेलता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए देख लेते अभी हमारी फैंटेसी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से अवॉइड करके जा सकते हैं।
तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करते हैं, ऐसे रिया राज को मैंने लिया है, आप अगर मुर्मू को लेना चाहो तो भी ले सकते हो, बल्कि दोनों ही काफ़ी नीचे बैटिंग कर रही है। बैटिंग सेक्शन की बात करते हैं, ऐसे आर कुमारी यहाँ से, ए कुमारी और यहाँ से मैंने लिया है ममता कनौजिया। उर्मिला कुमारी अगर खेलती तो इनके ऊपर रिस्क जरूर ले सकते हो, क्योंकि चार ओवर्स पूरी करवाएगी, दो तीन ओवर्स तो करवाई लेगी, तो यहाँ से विकेट लेने के चांसेस रहते हैं उनके ऊपर। बाकी बॉल ऑलराउंडर सेक्शन से यहाँ से डी कुमारी, निहारिका, यहाँ से पी सवैया और यहाँ से आनंदिता किशोर को मैंने पिक किया है। आप अगर आनंदिता किशोर की जगह पर यहाँ से अनुष्का परमार के साथ जाना चाहो तो भी जा सकते हो, या फिर यहाँ से एक बॉलर्स ज़्यादा लेना चाहो तो यहाँ से किसको ले सकते हो, और कोई ऑप्शन दिखाने मुझे। बाकी बैटिंग सेक्शन से आपको लेना पड़ सकता है, तो इसके लिए मैं यहाँ से आनंदिता किशोर के साथ जा रहा हूँ। लेकिन याद रहे, अनुष्का परमार भी काफ़ी अच्छी प्लेयर है, लास्ट मैच के अंदर भी दो विकेट निकालती हुई आ रही है, मैं अभी जा रहा हूँ आनंदिता किशोर के साथ। तो टीम कुछ इस तरह से रहेगी, मैंने एक रिस्क लिया यहाँ से रिनी बर्मन के ऊपर। तो कैप्टन मैंने यहाँ से डी कुमारी मुर्मू को किया है, और रिनी बर्मन को मैंने वाइस कैप्टनशिप दी हुई है, जो कि काफ़ी रिस्की रहने वाली है। सेफ आप जाना चाहो तो यहाँ से निहारिका और यहाँ से सवैया, दोनों ही बेस्ट चॉइस है, और दोनों को आप वाइस कैप्टनशिप वगैरह दे सकते हो। तो मेरी टीम कुछ इस तरह से रहेगी, लेकिन याद रहे डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगी, फाइनल लाइनअप के बाद। तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक अटैच कर दिया, इनके अगर लिंक वर्क ना करें टेलीग्राम में जाइए, सर्च करिए फैंटासी डिसन चैलेंज, या फिर आप सर्च कर सकते हैं FDC27, और आपको सीधा हमारा चैनल मिलेगा, सिंपली उसे ज्वाइन कर लेना। या अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो, बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले रज मैच के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नई सरप्राइज वीडियो के साथ, तब तक का पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी मीनिंग करते रहो। बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।